ग्लूकोमा आंख से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से आंख की रोशनी भी जा सकती है। इस बीमारी में बोलचाल की भाषा में इसको मोतियाबिंद कहा जाता है। दरअसल ये बीमारी में आंखों की नस डैमेज होने लगती है, जिसका सीधा कनेक्शन ब्रेन से होता है। इसी वजह से ब्रेन सिम्टम्स जो है वो सिग्नल देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक टाइम के बाद आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। हालांकि ग्लूकोमा कई तरह के होते हैं, चलिए आज के वीडियो में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ प्रतिका। ग्लूकोमा कब और क्यों होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, ग्लूकोमा आंख के अंदर यानी आंख की प्यूपिल यानी कि पुतलियों में होता है। जब आंख का ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो ये बीमारी हो जाती है। आंखों के आसपास पानी भरने लगता है। पानी आंख को पोषण देता है और उसे आकार भी देता है। साथ ही आंख से लगातार पानी निकलने लगता है। जब तरल पदार्थ जमा होने लगता है तो आंख के अंदर दबाव यानी कि प्रेशर क्रिएट होता है। ये अगर लंबे समय तक आंख के अंदर रह जाए तो इसे मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे ऑप्टिक नर्व्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिससे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसके कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अक्सर ग्लूकोमा की शिकायत होती है। डायबिटीज के मरीजों को भी ग्लूकोमा हो सकता है। इन सभी के अलावा आंखों में चोट लगने की वजह से भी आपको ग्लूकोमा होने की संभावना रहती है। आंख की कोई पुरानी सर्जरी के कारण भी आपको ग्लूकोमा की शिकायत हो सकती है। इतना ही नहीं, हाई बीपी भी इसका एक खास वजह हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर दवा लेने से भी ग्लूकोमा हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, आंखों का लाल होना, आंखों में तेज दर्द और खुजली होना, जी मचलाना और मतली होना, इन सभी के अलावा अचानक से दिखाई न देना ग्लूकोमा होने के सिम्टम्स हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।